वहीं उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दावेदारों के शक्ति प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मंत्री मुरारीलाल मीणा और भजनलाल जाटव के सामने ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समर्थकों को अलग किया। समर्थकों ने मंत्री की गाड़ियों के सामने ही झड़प शुरू कर दी। सूचना केंद्र में हुई दोनों गुटों में झड़प। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सूचना केंद्र से, जहां पर दोनों गुट आमने सामने हो गए। मंत्री का यहां पर काफिला भी था, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे ये दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद ये पूरा मामला शांत हो सका। तो पुलिस ने जो अलग अलग समर्थक गुट थे उन दोनों को अलग कर लिया। से होगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, किस बात को लेकर यह हंगामा हुआ? जी देखिए, बिल्कुल ये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो है कि सभी जगह पर्यवेक्षक का फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे में आज मंत्री मुरलीलाल मीणा और भजनलाल जाटव उदयपुर पहुंचे और यहाँ पर सूचना केंद्र में एक शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली, जिसमें पदाधिकारी शामिल हुए और दावेदार शामिल हुए। इस दौरान जो है कि दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका जो है कि दावेदार है यहाँ के, और उस दौरान यहाँ पर कुछ बात को लेकर हंगामा हो गया कि स्थानीय दावेदारों को मौका दिया जाए, बाहरी दावेदारों को लेकर ये अड़ गए। तो उसके बाद में हंगामा हो गया और नारेबाजी हो गई, तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और आपस में दोनों के समर्थक भी भिड़ते नजर आए। ऐसे में जो मौके पर पुलिस मौजूद थी, इनको यहाँ पर इनको हटाया और माहौल शांत करवाया। इसके बाद जो है कि दोनों पर्यवेक्षक जो है कि यहाँ से रवाना हुए और देहात की बैठक ले रहे हैं। जी कमलेश, सवाल यह है कि आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, और क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक है, ऐसे में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये देखिए, बिल्कुल ये आपस में इनकी अंदर की गुटबाजी सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए सामने चुनाव लड़ना बहुत बड़ी चुनौती भी सामना हो सकता है। ऐसे में जो है कि जिनके पदाधिकारी इस पूरे माहौल को शांत करवा रहे, ताकि जो फीडबैक जाए वो पूरा सामने सही जाए। बिल्कुल कमलेश, कम से कम ये अभी शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।